સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના સેલવાસ વિસ્તારમાં મિશનરી સંચાલિત એક સ્કૂલના વાઇસ પ્રિન્સિપાલ અને શિક્ષક દ્વારા અભ્યાસ કરતી એક સગીર વિદ્યાર્થીની સાથે દુષ્કર્મ ગુજારવાની ઘટનાના વિરોધમાં સેલવાસ ખાતે અનુસૂચિત સમાજના ભાઈઓ અને બહેનોએ પગપાળા રેલી કાઢી આરડીસીને આવેદનપત્ર આપી બળાત્કારીઓને કડકમાં કડક સજા મળે તેવી માંગણી કરી હતી. સેલવાસની મિશનરી સંચાલિત સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી સગીર વિદ્યાર્થીની સાથે વાઇસ પ્રિન્સિપલ અને શિક્ષકે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું, જેનો ભાંડો ફૂટતાજ પોલીસે બંને નરાધમોની ધરપકડ કરી હતી. દાદરાનગર હવેલીની અનુસૂચિત જાતિની બાળકી સાથે બનેલી આ દુષ્કર્મની ઘટનામાં બંને આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા થાય અને આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે અનુસૂચિત સમાજના ભાઈઓ બહેનોએ સેલવાસમાં એક રેલી કાઢી આરડીસીને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું. तरह से हमारी अनुसूचित जाति के नाबालिग बच्ची पे दुष्कर्म किया गया, उसका आज पूरे प्रदेश के समाज के लोगों ने उसका जोरदार विरोध किया है और हमने माननीय कलेक्टर मैडम से एक आवेदन पत्र दिया है और उसमें हमने कहा है कि दोषियों को कड़क से कड़क सजा मिले. साथ साथ में हमारी ये भी मांग है आदरणीय प्रशासक महोदय से कि स्कूल की सारी बच्ची का काउंसिलिंग करवा जाए, क्योंकि एक केस प्रकाश में आया है तो और भी हो सकते हैं. तो हमारी माननीय आदरणीय हमारे प्रशासक महोदय से विनती है कि सारी बच्ची का अलग से काउंसलिंग उसकी होनी चाहिए. और मैं तो ये कहता हूँ कि हर स्कूल की जो इस प्रकार की चैरिटी से चलती हैं, स्कूल की सारी स्कूल की तहकीकात होनी चाहिए और जो स्कूल इस ऐसे धंधे में लुप्त पाई जाती हैं उसका सरकार के हस्ते स्कूल ले लेनी चाहिए और प्रशासन की माध्यम से स्कूल चले, हम ऐसी मांग करते हैं. साथ साथ में हम ये भी मांग करते हैं कि इसके पीछे और भी कोई लोग ज्यादा लोग हैं ऐसी बात आ रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए. कितने बच्चे आज तक स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवाया है और किस लिए कैंसिल करवाया है उसकी भी जांच होनी चाहिए. लास्ट 2 से 3 साल का उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि स्कूल में क्या क्या घटनाएं घटी है. हमारे पास इस प्रकार की भी जानकारी है कि टीचर और प्रिंसिपल शराब पी के स्कूल में जाते थे, इसका रिकॉर्ड है, तो हम उसकी भी जाँच चाहते हैं. विकृत मानसिकता वाले लोगों को अभी उनके ट्रायल हो चुकी है, उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 दिन के अंदर उसको फांसी की सजा मिले, इसके हमारी समाज की मांग है. और आदरणीय हमारे प्रशासक महोदय जी पहले दिन से इस केस पे ध्यान रखे, हम उससे अपील करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि सर हमारे समाज के जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है उसको तुरंत न्याय मिले, ऐसी हम आपसे मांग करते हैं.